नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है, टाइप ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन के कार्य, शरीर में प्रोटीन की कमी के लक्षण, क्या होता है जब प्रोटीन की कमी हो जाती है, शरीर को रोजाना कितने प्रतिशत प्रोटीन की जरूरत होती है, आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, क्या प्रोटीन सप्लीमेंट फायदेमंद है, क्या सिर्फ प्रोटीन लेने से काम चल जाएगा और क्या है ज्यादा प्रोटीन लेने के नुकसान। प्रोटीन एक कार्बनिक कंपाउंड है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अणुओं से मिलकर बना है। कुछ प्रोटीन में इनके अलावा आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा व फास्फोरस भी उपस्थित होता है। प्रोटीन हमारे शरीर की एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है और यह बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र वर्ग के लिए अलग अलग मात्रा में लिया जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? हाल ही में हुए एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि 80% भारतीय लोगों के खाने में प्रोटीन की कमी होती है। 91% मांसाहारी और 85% शाकाहारी लोगों में प्रोटीन की कमी पाई गई है। भारतीयों के खाने में सिर्फ 37% प्रोटीन होती है जबकि पूरी दुनिया में यह आंकड़ा 65% है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। प्रोटीन क्या है? सबसे पहले जे बर्जिलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। प्रोटीन फूड के 3 मुख्य भागों में से एक है। प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं जो सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में कार्य करते हैं। कोशिकाओं को बढ़ने और खुद को ढालने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन कई फूड आइटम में पाया जाता है जैसे मांस, मछली, मुर्गे, अंडे, फलिया, दाल और डेयरी प्रोडक्ट। प्रोटीन एक कार्बनिक कंपाउंड है जो सिंगल चेन से बना है। इसमें एमिनो एसिड चेन की एक श्रृंखला शामिल हो सकती है। ये चेन पेप्टाइड लिंगामेंट्स नामक बॉन्ड्स बांधते हैं और प्रोटीन उन कार्बनिक कंपाउंड में से एक है जो मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बॉडी के टिश्यूज और कोशिकाओं के मूल घटकों यानी कंपोनेंट्स में से एक है। टाइप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन यानी पूर्ण प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन युक्त फूड आइटम में सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। कंप्लीट प्रोटीन ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट या फूड आइटम जैसे मांस और अंडे आदि में पाए जाते हैं। अधूरे प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन, वे प्रोटीन या प्रोटीन युक्त फूड आइटम जिनमें कम से कम एक या एक से अधिक आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है, अधूरे प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन कहलाते हैं। ये सभी पौधों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन अधूरे प्रोटीन होते हैं जैसे मटर की फलिया, नट्स और कुछ अनाज इत्यादि। पूरक प्रोटीन यानी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन को अधूरे प्रोटीन वाले 2 या अधिक खाद्य पदार्थों को मिश्रित कर बनाया जाता है। इनका प्रयोग पूर्ण प्रोटीन की आपूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मूंगफली के मक्खन के साथ चावल या बीन्स या ब्रेड को शामिल किया जाता है। फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन को शरीर के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आधार माना जाता है और ये शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। कई प्रोटीन एंजाइम होते हैं जो जैव रसायन यानी बायोकेमिकल क्रियाओं को मोटिवेटेड करते हैं और मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर में प्रत्येक कोशिका के कामकाज के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पूरे शरीर को अणुओं का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स और भंडारण यानी स्टोर करने में प्रोटीन की अहम भूमिका होती है, जैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। कोशिकाओं की मरम्मत करने तथा नवीन कोशिकाओं यानी न्यू सेल्स के निर्माण कार्य में मदद करना प्रोटीन का एक मुख्य कार्य है। एंटीबॉडी के रूप में शरीर की वायरस और बैक्टीरियल संक्रमण से रक्षा करना। बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं में उचित रूप से वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। एंजाइम, इमाइलेज और हार्मोन इंसुलिन के रूप में महत्वपूर्ण कार्यों को करना। प्रोटीन न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी काम करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं शरीर में प्रोटीन की कमी के लक्षण। शरीर में प्रोटीन की कमी के लक्षण। बेहतर स्वास्थ्य और सेहत के लिए सिर्फ भोजन करना ही काफी नहीं है बल्कि उसमें पोषण भी
बेहद जरूरी है। शरीर के लिए अन्य पोषक तत्वों के अलावा प्रोटीन अनिवार्य है। प्रोटीन की कमी होने पर आपको सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं और शारीरिक दर्द की समस्या से गुजर रहे हैं तो इसका कारण भी प्रोटीन की कमी हो सकती है, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने का एक बड़ा कारण ये भी है। शरीर में प्रोटीन की कमी से व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या में कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। इन कारणों से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी वीक होती है। प्रोटीन की कमी से ब्लड में शुगर का स्तर कम हो जाता है, जिससे शारीरिक कमजोरी महसूस होने के साथ ही थकावट जैसी परेशानियां पैदा होती है। इसके अलावा आपको बार बार भूख लगने का कारण भी प्रोटीन की कमी हो सकती है। आपके सौंदर्य के लिहाज से भी प्रोटीन बेहद जरूरी है। अगर सही मात्रा में प्रोटीन नहीं लिया गया तो इसका असर आपके बाल और नाखूनों पर भी नकारात्मक होता है। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लेने से जोड़ों में मौजूद तरल पदार्थ का निर्माण कम होता है, जिससे लचीलापन कम हो जाता है और जोड़ों में अकड़न के साथ मांसपेशियों में भी दर्द की समस्या बढ़ने लगती है। इसके अलावा प्रोटीन की कमी से सरदर्द जैसी समस्याएं भी होने लगती है। चोट या जख्म भी जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। आपका वजन कम होने लगता है और स्लीपिंग डिसऑर्डर का भी सामना करना पड़ता है। लोग प्रोटीन बार, प्रोटीन शेक, प्रोटीन बोल्स खाते हैं और ऐसा तब हो रहा है जब ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं कि उन्हें कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए, किस तरीके से प्रोटीन लेनी चाहिए, कितना कम या कितना ज्यादा प्रोटीन हमारे लिए नुकसानदेह है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शरीर को कितने प्रतिशत प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन की आवश्यकता आपके बॉडी वेट और कैलोरी इंटेक पर निर्भर करती है। आपकी कुल कैलोरी का 20 से 35 फीसदी प्रोटीन से आना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन 2000 कैलोरी का सेवन करते हैं तो उसमें से 600 कैलोरी प्रोटीन से आना चाहिए। प्रोटीन क्यों जरूरी है? ज्यादातर लोग कम मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं। ये बात उन लोगों पर लागू नहीं होती जो प्रोटीन का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। फिर भी शरीर के विकास के लिए प्रोटीन की जरूरत से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये शरीर के हर क्रिटिकल फंक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है, जो हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुछ फंक्शन के बारे में जिनमें प्रोटीन की जरूरत होती है। नर्वस फंक्शन, प्रतिरक्षा फंक्शन, कोशिका का विकास, खून बनने का फंक्शन और विशेष रूप से ब्रेन ट्रांसमिशन भी है। फिर भी वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार प्रोटीन का डेली सेवन दोधारी तलवार के समान है। प्रोटीन के जरूरत से ज्यादा या कम सेवन करने से कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बदन का जकड़न, अनिद्रा और लगातार बुखार हो सकता है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कितनी प्रोटीन आपको लेनी चाहिए। जो इंसान कम मेहनत का काम करते हैं उनको अपने बॉडी वेट के 0.75 ग्राम प्रोटीन की मात्रा लेनी चाहिए। औसतन ये तादाद पुरुषों के लिए 55 ग्राम और महिलाओं के लिए 45 ग्राम होती है। यानी दो मुट्ठी मीट, मछली, टोफू, नट्स या दालें खाने से रोजाना की प्रोटीन की जरूरत पूरी हो सकती है। जरूरी मात्रा में प्रोटीन न लेने की वजह से बाल झड़ने, त्वचा फटने, वजन घटने और मांसपेशियां घटने की शिकायतें हो सकती है। लेकिन कम प्रोटीन खाने से होने वाली ये परेशानियां बहुत कम देखने को मिलती है। आमतौर पर ये उन्हीं लोगों में देखने को मिलती है जिनके खान पान में भारी गड़बड़ी हो। इसके बावजूद हम अक्सर यही मानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग और मांसपेशियों के विकास के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी है। ये काफी हद तक सही भी है। ताकत बढ़ाने वाली वर्जिश करने से मांसपेशियों में मौजूद प्रोटीन टूटने लगती है। ऐसे में मांसपेशियों को ताकतवर बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, ताकि मसल्स की मरम्मत हो सके। इसमें प्रोटीन में पाया जाने वाला ल्यूसिन नाम का एमिनो एसिड बेहद मददगार होता है। कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि ज्यादा टफ एक्सरसाइज करने के बाद अगर हम प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेते हैं तो इससे हमारी मसल्स और टूटती है। यानी वर्जिश से तब तक फायदा नहीं होता जब तक आप प्रोटीन शेक वगैरह न ले। इसलिए सप्लीमेंट बेचने वाली कंपनियां आपको बार बार प्रोटीन शेक जैसी चीजें कसरत के फौरन बाद लेने के लिए उकसाती है, जो ये बताती समझाती है कि बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन शेक में वे प्रोटीन पाया जाता है जो चीज बनाने का एक बाय प्रोडक्ट है। क्या प्रोटीन सप्लीमेंट फायदेमंद है? रिसर्च कंपनी मिंटेल की 2017 की रिपोर्ट बताती है कि ब्रिटेन में 27% लोग
प्रोटीन बार या प्रोटीन शेक लेते हैं। जो लोग हफ्ते में दो बार या ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनको जोड़ ले तो ये तादाद 39% पहुँच जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें 63% को ये मालूम ही नहीं कि ये पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक कितना फायदा दे रहा है। वो ये भी नहीं बता पाए कि इसका कोई असर उन्हें पता चल रहा है या नहीं। 2014 की एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार एक्सरसाइज करने के शुरुआती दिनों में प्रोटीन के फायदे होते हैं, लेकिन इसके बाद इसके फायदे के बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे जैसे आपकी कसरत की आदत पड़ती जाती है, प्रोटीन शेक या प्रोटीन बार लेने के फायदे कम हो जाते हैं। जानकार ये भी बताते हैं कि प्रोटीन डाइट का फायदा तब होता है जब इसे कार्बोहाइड्रेट के साथ लिया जाए। हाँ, ये बात तय है कि प्रोटीन की ये मात्रा आपके शरीर को हल्का और फिट रखने में मददगार होती है। आप ज्यादा शारीरिक मेहनत कर पाते हैं। लेकिन अगर एथलीटों और एक्सरसाइज करने वालों को अगर प्रोटीन से फायदा होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी प्रोटीन लेना शुरू कर दें। ब्रिटेन की स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी में खान पान के प्रोफेसर केविन टिप्टन कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को उनकी जरूरत से ज्यादा ही प्रोटीन उनके खाने से मिल जाती है। किसी को सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं। आप आसानी से रोजमर्रा की खाने की चीजों से ही अपनी प्रोटीन की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। सिर्फ प्रोटीन लेने से ही काम चल जाएगा? केविन टिप्टन कहते हैं कि प्रोटीन बार कैंडी बार की तरह ही है, बस उसमें थोड़ा सा प्रोटीन होता है। टिप्टन ये भी कहते हैं कि बॉडी बिल्डरों को भी प्रोटीन बार वगैरह की उतनी जरूरत नहीं है जितना शोर मचाया जाता है। टिप्टन के मुताबिक आज सप्लीमेंट लेने पर बहुत जोर है क्योंकि इसका एक बड़ा बाजार है। केविन टिप्टन के मुताबिक आज आपकी अच्छी सेहत में सिर्फ प्रोटीन का रोल नहीं है, बल्कि आपको तनाव मुक्त होना चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए। इसके अलावा आपने खाने पीने पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरे एक्सपर्ट भी ये बात मानते हैं कि प्रोटीन की जरूरी मात्रा हमें अपने खाने के जरिए ही लेनी चाहिए, सप्लीमेंट इसका अच्छा जरिया नहीं है। लिवरपूल की जॉन मूर यूनिवर्सिटी के ग्रीम क्लोज कहते हैं कि सिर्फ एथलीटों को ही अलग से प्रोटीन लेने की जरूरत है, लेकिन अगर वो एक प्रोटीन शेक वर्जिश के बाद ले ले तो उतना ही पर्याप्त है। इसके अलावा बुजुर्गों को भी अपने खाने पीने के अलावा प्रोटीन की एक्स्ट्रा डोज लेनी चाहिए। ग्रीम क्लोज कहते हैं कि जहां युवाओं को अपने वजन के प्रति किलो के हिसाब से 0.75 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, वहीं बुजुर्गों को अपने वजन के 1.2 ग्राम मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं ज्यादा प्रोटीन लेने के क्या है नुकसान। क्या ज्यादा प्रोटीन से नुकसान होता है? दोस्तों, अच्छी बात यह है कि आप इतनी आसानी से प्रोटीन का इंटेक नहीं कर सकते। कुछ डाइटिशियन इस बात को लेकर फिक्रमंद रहते हैं कि कहीं ज्यादा प्रोटीन खाने से गुर्दों पर असर न पड़ जाए, लेकिन तमाम सबूत बताते हैं कि ऐसा बहुत कम होता है। अक्सर प्रोटीन का ताल्लुक वजन घटाने से बताया जाता है। कम कार्बोहाइड्रेट वाले खानपान से आपका वजन कम होता है। कुछ प्रोटीन डाइट आपके लिए ऐसा करने में मददगार हो सकती है। अगर आप सुबह प्रोटीन से भरपूर नाश्ता करते हैं तो दिन भर आपको कम भूख महसूस होती है। इस बात के पर्याप्त सबूत है कि प्रोटीन आपकी भूख को अच्छे से मिटाता है। एबरडीन यूनिवर्सिटी की एलेक जॉनस्टन कहती है कि आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटाकर प्रोटीन बढ़ा दे, इससे आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। उनकी सलाह है कि आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें 30% प्रोटीन, 40% कार्बोहाइड्रेट और 30% फैट हो। इससे आपको वजन घटाने में काफी मदद मिलेगी। औसतन खान पान में 15% प्रोटीन, 55% कार्बोहाइड्रेट और 35% फैट होता है। अगर आप ये सोचे कि सिर्फ ज्यादा प्रोटीन लेने से वजन घट जाएगा तो आप मुगालते में हैं। चिकन या फिश खाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, वहीं रेड मीट और मटन आपके वजन घटाने की कोशिशों पर पानी फेर सकते हैं। इनसे कैंसर और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। माइक्रो प्रोटीन नाम का एक प्रोटीन ऐसा है जो बिना मांस खाए भी आपको मिल सकता है। ये फुफंद यानी मोल्ड की कुछ प्रजातियों से मिलता है। इसमें फाइबर भी होता है। कुल मिलाकर ज्यादा प्रोटीन खाने का खतरा कम है। अंदेशा इस बात का ज्यादा है कि इसके चलते हम महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदने लगते हैं। ये महंगे तो होते ही हैं, इनका सेहत पर भी बुरा असर पड़ने का डर है, क्योंकि इनमें काफी मात्रा में शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आपकी अच्छी सेहत पाने की कोशिशों पर पानी फेरने के लिए काफी है। प्रोटीन के सोर्स। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आप किन किन फूड आइटम से अपने लिए प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं।
सोयाबीन। सोयाबीन मीट और अंडे से ज्यादा प्रोटीन युक्त आहार है। प्रोटीन के अलावा सोयाबीन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई और खनिज पदार्थों से भरपूर होता है। इसके अलावा सोयाबीन में फाइबर भी भरपूर होता है। 100 ग्राम सोया चंक्स में करीब 50 ग्राम प्रोटीन होता है। पनीर। दूध से बने सभी प्रोडक्ट स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होते हैं, जो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। पनीर भी दूध से ही तैयार होता है। इसमें प्रोटीन, कार्ब और फैट पाया जाता है। 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। मूंग दाल। मूंग की दाल प्रोटीन की कमी को पूरा करने का एक सस्ता साधन है, क्योंकि मूंग की दाल प्रोटीन से भरपूर होती है। इसके अलावा 100 ग्राम मूंग की दाल में करीब 24 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। बादाम। बादाम बेहतरीन किस्म के फैट के साथ साथ भरपूर प्रोटीन से युक्त होता है। 100 ग्राम बादाम में लगभग 21 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। काजू। यूं तो काजू के कई फायदे हैं और ये वजन बढ़ाने के लिए सहायक है, साथ ही ये प्रोटीन से भी भरपूर होता है। सिर्फ 100 ग्राम काजू में करीब 553 कैलोरी, 44 ग्राम फैट और करीब 18 ग्राम प्रोटीन होता है। दूध। दूध न सिर्फ शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर हड्डियां मजबूत करता है, बल्कि ये प्रोटीन से भरपूर होता है। 1 लीटर दूध में करीब 40 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज भी प्रोटीन सेवन का एक बेहतरीन जरिया है। 1 कप अंकुरित अनाज में करीब 15 ग्राम प्रोटीन होता है। मूंगफली। यूं तो मूंगफली में फैट पाया जाता है, लेकिन ये प्रोटीन से भरपूर होती है। सिर्फ 100 ग्राम मूंगफली में करीब 26 ग्राम प्रोटीन होता है। चना। चना ना सिर्फ प्रोटीन बल्कि फाइबर से भी भरपूर होता है। इसे भिगोकर, उबालकर या फ्राई कर भी खा सकते हैं। 100 ग्राम चने में करीब 15 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। दही। दूध से बनी हर चीज में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए दही भी प्रोटीन का एक बेहतर जरिया है। 100 ग्राम दही में करीब 11 ग्राम प्रोटीन होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी और आपको प्रोटीन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अपने इस वीडियो में हमने आपको प्रोटीन के फायदे, नुकसान और आपको फूड आइटम जिनसे आप प्रोटीन ले सकते हैं उसके बारे में भरपूर जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें। अगर वीडियो को लेकर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।